वादा करते हैं हम कश्मीरियों से, छह महीना अगर आप पाकिस्तान में जी लीजिएगा ना, जब लौट के आएंगे तो इस जमीन को चूमेंगे हम। आज किसी लोगों को कहिएगा कि सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में मिला, कुछ कंफ्यूज हो रही, बाहर का था क्या? कैसे आपको अचानक पता चले? पिताजी बोले तुमको खरीद के लाए थे हम। अरे चाइना को तो ऐसा धोया ऐसा अरुणाचल प्रदेश में, लाठी थोड़े बोला जाता है, मुआड़ा मार मारो का कपार फोड़ दिया ऐसा। हद जानते हैं क्या था? देखिए भारत की ओर से वहां पर दो सेक्शन थे सब, एक प्लाटून जो होता है, मतलब तीन सेक्शन को मिला देंगे तो एक प्लाटून बनता है, एक सेक्शन में 10 जवान तो तीन सेक्शन में 30 जवान। वहां पे बस एक प्लाटून खड़ी थी जिसे पलटन कहते हैं, एक प्लाटून 30 जवान, और उधर से उस सबका संख्या था 250 से ज्यादा। मार मार के पूरा भगा दिया सो वहां पर, लाठी से मार पहना कपारे फाड़ दिया सो वहां पर। अच्छा बुलेट प्रूफ पहना था सब, लेकिन समस्या ये था कि वो बुलेट प्रूफ चाइनीज था, सच में नाम था बुलेट प्रूफ, लाठी प्रूफ भी नहीं था। देखिए यहां पर एक देश था तिब्बत, ये बड़ा सा देश क्या था तिब्बत, 1959 में चाइना ने यहां कब्जा कर लिया, इतना बड़ा 1959 में क्या कर लिया कब्जा, और यहां के लोगों को बड़ी मार मारा, एक परिवार में आदमी है तो एक किसी एक आदमी को भेज दिया यहां पर मंचूरिया में भेज दिया, एक आदमी को यहां भेज दिया, एक आदमी को यहां भेज दिया, एक आदमी को हुआ छोड़ दिया, वो बेचारा अपने परिवार में परेशान है, कहां गया मेरा चाचा। हमारे यहां कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर वाले वहीं रह गए, 370 अगर शुरू में ही हट गया रहता तो अब तक कश्मीर के लोगों को भी भारत के बाकी लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला रहता। भारत कभी बिहार में आएंगे लोग, उन लोगों को लिट्टी चोखा हम लोग खिलाएंगे यहां बैठा के, नहीं सर फिर समझाएंगे कि देखो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, वादा करते हैं हम कश्मीरियों से, छह महीना अगर आप पाकिस्तान में जी लीजिएगा ना, जब लौट के आएंगे तो इस जमीन को चूमेंगे हम। अभी अभी उनको समझ नहीं है, कोई बात नहीं, समझ नहीं है तो समझाना हम लोग का काम है, चाहे जिस चल से समझे लोग, लेकिन अब भारतीय सेना भी समझाती है, आतंकवादी सबका गोली खत्म हो जाती है तो बाबू भैया कह के बुलाती है, उसके बाद बेचारा रोता है, हथियार सरेंडर कर देता है, तो दूर का ढोल सुहावन लगता है उन लोग को। जो सोच रहा अपने लिए खाना नहीं जुटा सकता है, कश्मीरियों के लिए करेगा नहीं कर सकता है। अभी समय आ जाएगा धीरे धीरे, हम तो कहते हैं भारत सरकार को कहना चाहिए जो घूम के आओ एक बार, उसके बाद वो कभी नहीं जाएगा वहां पर, कभी नहीं जाएगा वहां पर। प्रधानमंत्री को सोचा गोली मार दिया सो वहां पिकअप पे घूम रहा था वो, महिंद्रा का पिकअप पे चढ़ के प्रधानमंत्री घूम रहा था वो तो ऐसा छोटकी ट्रकवा नहीं रहती है, हाथी बोलते हैं लोग, 407 वो पे चढ़ के घूम रहा था, मार दिया धाए दे। अरे भाई तो कम से कम बढ़िया गाड़ी ले लेना चाहिए। यहां पे था सिक्किम, सिक्किम डर गया, कागरी से सोचा तो नहीं, हमारा का तिब्बत कब्जा कर लिया, एकरा कब्जा कर लिया, हमारा तो कैसे चबा जाएगा। तो नेहरू जी से कहा उस समय, एक काम कीजिए, नेहरू तो नहीं 1975 में कहा कि देखिए हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्या करें, लेकिन हमको पता नहीं है कि भारत के लोग कैसे हैं, ऐसे सुने हैं कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और हकीकत भी है, अरे हम लोग तो सांप को दूध पिलाने वाले लोग हैं, अब कौन चीज चाहिए गए यहाँ पे, अहिंसा के हम लोग, ऐसा नहीं पूरी दुनिया में देखेंगे भारत की छवि अलग टाइप की है, वहां पे सब लोग समझते हैं भारत के लोगों को, सब लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कहा कि देखिए हमको तो, लेकिन इतना बड़ा फैसला हम ऐसे कैसे ले सकते हैं, एक काम कीजिए पहले हम आपके साथ एक साल दो साल रह के देखना चाहते हैं कि कैसे हैं आप लोग। तो पहले किया गया 35वां संशोधन जिसके तहत यह सह राज्य बना, क्या बना सर, इसको कहा गया देखो कैसा लग रहा है, 1974 में कहा गया देखो एक साल रहो देखो कैसा लग रहा, कहा बहुत अच्छा है भारत, बिना पासपोर्ट वीजा यहाँ यहाँ तक तो कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत बड़ा है भारत। दिल्ली उल्ली घुमा, कहा सिक्किम बहुत बढ़िया है, सिक्किम के लोगों ने कहा नहीं एकदम सही है सिक्किम। तो इसके बाद 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को क्या बना दिया राज्य, और सिक्किम भारत का चौथा राज्य बन गया 22वां, कौन सा संशोधन द्वारा कौन सा राज्य बना 22वां। आज तक सिक्किम के लोगों को कोई तकलीफ हुई है? और हम लोग
सिक्किम को उस तरह से भारत में घुला लिए जिस तरह से दूध में चीनी घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आज किसी लोगों को कहिएगा कि सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में मिला है, कुछ कंफ्यूज हो रही, बाहर का था क्या? कैसे आपको अचानक पता चले? पिताजी बोले तुमको खरीद के लाए थे हम। तो आपको अचंभा होगा, हम लोगों ने कभी इस बात को देखा ही नहीं कि सिक्किम कभी बाहर का था। इतना हम लोग घुल मिल गए सिक्किम के साथ, और इवन सिक्किम के लोगों को भी कभी ये एहसास नहीं होता। अब ये इतिहास का एक हिस्सा है, आप में से जिन लोगों को ये पहली बार पता होगा आप लोग भी चौंक गए, जो बाहर का था ये। लेकिन देखिए ये होता है हिंदुस्तान, समझ में आएगी नहीं? ये होता है, हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया वहां पे। सिक्किम के लोग जहां भारत में रहना चाहे रह सकते हैं, हम लोग भी जाके सिक्किम में रह सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ सिक्किम में, समझ में आ गया कि नहीं? अगर हम लोग भी जब मैट्रिक उट्रिक में पढ़ते तो पहली बार सुने कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया, चौक गए बाहर का था, कहां था इतना दिन तक ये। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत?